यार बता मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ ठीक है ठीक है। बाल ठीक लग रहे? हाँ ठीक ठीक है। कलर अच्छा है ना साड़ी का? ऑनलाइन मंगाया मैंने अभी। अरे उसका क्या हुआ, कल जो रील बनाई थी अपलोड कर दी क्या? यार रात मैंने अपलोड की, पता है? हाँ। अपलोड करके सो गई मैं, बहुत थक गई थी ना कल रील बनाते बनाते, तो मैं थक गई थी। हाँ। फिर मैंने क्या किया कि अपलोड तो कर ही देती हूँ, करने वाली नहीं थी, फिर मैं सोचा कर ही देती हूँ अपलोड। अपलोड की मैंने पता है और सो गई, और सुबह उठ कर देखो यार वायरल हो गई, पूरी तरह से फैल गई। कौन सा सॉन्ग था? अरे वही यार वो जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, सुन। अच्छा इसको प्ले मत कर अभी, रुक जा मुझे तैयार होने दे। अच्छा पासवर्ड तो बताना यार, इसका पासवर्ड क्या था? इसका पासवर्ड भी बनवाना। हाँ रुक जा पहले मेरी शूट कर दे, इतनी मेहनत से तैयार हुई हूँ मैं। एक ही सही बनी साड़ी? हाँ ठीक है। पल्ला छोड़ के अच्छा लग रहा है ना, छोड़ दो। हाँ पल्ला छोड़, फ्री पल्लू में बनाते हो। कल वाली फ्री पल्लू में थी ये। बाल ठीक है? बाल ठीक है। चल गाना प्ले का, बढ़िया से शूट करियो। ठीक है ठीक। चल ओके रेडी? हाँ 1 2 3 गो कर दियो। एक्सेल चल। ओके 1 2 3 एंड ओके स्टार्ट। बहुत बड़ी रील हो जाएगी यार, ज्यादा बड़ी नहीं, मैंने बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, है? देखना बहुत। चल तू बहुत अच्छी लगे सच में, मेरी बना देना। बनाऊं यार एक दो और। हाँ। यार कॉस्ट्यूम भी तो चेंज करना है, जब मैं कॉस्ट्यूम चेंज करने जाऊंगी ना तो। चल 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 ठीक है। बस अब बंद कर दे इसको। वो दूसरा वाला ट्रेंडिंग में जो गाना चल रहा है ना। कौन सा वाला? अरे वो जो अभी अभी लड़की एक वायरल हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। लगा उसे क्या? अरे वो है ना, वो कौन सी है, स्ट्रीट गर्ल के नाम से वायरल हुई है। अच्छा, ना अभी अच्छी शूट हुई है ना, बहुत बढ़िया शूट हुई है। अच्छा। साड़ी तो एकदम मस्त आई है। दिखा दे एक मिनट एक मिनट। है ना साड़ी कितनी मस्त लग रही है ना, अब ऐसी मेरी रील बना दे ना। सुन एक और बना दिया। ओए मेरा आईफोन, सॉरी सॉरी सॉरी, तेरे हाथ से छूटा है यार। ध्यान रख बहुत महंगा फोन है, बड़ी मुश्किल से मंगाया मैंने, अब बजट भी नहीं है मेरे पास इतना। चल ना मेरी रील बना ना, एक और बना दे यार मेरी। अब कौन सा? एक और बना दे यार। किस पे? गाना गाना रुक जा मैं लगा के देती हूं तुझको। कितने मैसेज आते हैं, सॉरी मांगू जान, ये कौन सा सॉन्ग है? चल सॉरी मांगू जान कहते फील कर जा, थोड़ी गाड़ी खा के न कहते तू मर जा, फील कर जा। कैमरा मित्र का, चल फ्रंट कैमरा लगा के चल तू। तूने मेरा तो बैक साइड आया, तेरा तो ज्यादा अच्छा आया। तेरा फ्रंट ही लगा दूं, तू नहीं मानेगी। चल आ जा, चला ठीक है, बढ़िया से करियो। आ कितना लंबा कर दिया है, क्या है ये? चल ठीक है तुझसे नहीं आज करना आना, चल तेरी शूट करती हूँ। चल कौन से वाले गाने पे करेगी? कोई सा भी लगा दे, वही वाला जो तेरा बनाया था ना मैंने उसी पे। कौन सा वाला था? ये था पायर वाला। ठीक है अच्छे से शूट करने, ऐसे मैंने किया है, बढ़िया करूंगी तुझसे, अच्छा करूंगी। ठीक है बहुत अनुभव है मुझे इसका। चल पहले हो रहा है, रुक जा नेटवर्क शुरू होगा थोड़ा अच्छे से। इतना सही से आना, फ्रेम नहीं बनना है ना। तू मेरी रील गड़बड़ करेगी, चुपचाप भी नहीं होती ना। देखा तेरी रील मैंने बहुत अच्छी शूट करी है, इतनी लंबी होती है रील क्या? देख ले पहले ज्यादा दिखा मुझे।
खाना हाँ? क्या हुआ बेटा? भूख लग रही है, खाना दे दो। अब अभी बना रही हूँ, बस 10 मिनट में एक रील के बाद एक वीडियो बना लू। पापा से ले ले तो कुछ खाने को जब तक, ठीक है? जाओ जाओ अभी बनाते हैं ना। चल यार जल्दी जल्दी कर लेते हैं, दो चार रील बना ले। अरे तुझे बना के आना चाहिए था ना। सुन काम कर यार, मैं ना अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर बनाऊंगी यार। इसमें कई रील बना ली मैंने, ले ऑडियंस पहचान लेते हैं यार सारी। भैया बना लेंगे खाना, कुछ ना कुछ खिला देंगे। चल मेरा ये सही लग रहा है, मैं भी चेंज कर। तेरा अच्छा लग रहा है यार, मैं ही चेंज कर। मैं भी चेंज कर लूंगी, क्या एक रील बनी है मेरी। तेरी मर्जी है, तू करके आया मत जा, मैं करके आती हूं। चेंज करते हैं, चल चल। पापा भूख लग रही है, खाना दे दो। क्यों बेटा, आपने खाना नहीं खाया? मम्मी वीडियो बना रही है। ओहो, इनका वीडियो। पर आपने कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया। मैं परेशान आ गया उस वीडियो से, जब देखो वीडियो वीडियो वीडियो। बेटा ऐसा करते हैं, मैं मम्मी से बात करता हूँ, आप जो ऐसा करो मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप मार्केट से ना चीज ले आओ अपने लिए, ये रो पैसे हैं, और चीज ले आना, ठीक है ना? और मैं मम्मी से बात करता हूँ, जाओ आप। हाँ आज बनवाऊंगा इनकी रील। और रवि भाई कैसे हैं? बढ़िया हूँ किशन भाई, आप कैसे हैं? और क्या चल रहा है? बस सब बढ़िया चल रहा है, बस एक ही परेशानी है। क्या? अरे मैं अपनी बीवी से बहुत तंग आ गया हूँ, जब देखो जब रील बनाती है, जब देखो जब रील बनाती है, ना खाना बनाती ना बर्तन धोती, कुछ भी नहीं करती। अरे इसी बात से तो मैं परेशान हूँ रवि भाई। अच्छा, मेरी श्रीमती जी को वही शौक लग गया है। ओए होए, और मुझे ये लगता है कि भाभी जी और मैडम दोनों मिलकर रील ही बनाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं आपको क्या बताऊं, दिन रात बस रील रील बन रही है, खाने पीने का तो कोई नाम ही नहीं है, और पता नहीं ना औरतों को क्या हो गया, मेरी समझ में ये नहीं आता कि रील बना के मिलता क्या है। अरे हमसे शादी की है, मर्द लोग हैं हम, अरे घर को संभाले, बच्चों को संभाले, हमारी मदद करें। अरे आदमी बाहर से थका रहा था, वो क्या चाहता है, घर में सुकून आ रहा ना, और घर में क्या बस हम बहुत से बच्चे, पापा खाना नहीं मिला, मम्मी ने खाना नहीं दिया पूरे दिन, और पूरे दिन भर आदमी जो है झकमराए अपनी, और शाम को आते वक्त खाना खुद बना के खिला दो बच्चों को, और हमें भी खिला दो। ये देखो किशन भाई, अब कोई ऐसा पॉइंट निकालिए जिससे कि इन औरतों की वीडियो रील्स बनाना बंद हो जाए। अब ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसी कुछ तरकीब भी लगानी पड़ेगी। मैं भी बड़ा परेशान हूँ, बड़ा तंग आ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, मैं तो खैर उनको टाइट करूंगा ही, आप भी भाभी जी को टाइट कीजिए, सख्ती से काम लीजिए। हाँ देखिए आदमी क्या बनना है, ये जो सरदर्दी है ना, ये मान लीजिए कि सिर से ऊपर पानी निकल गया है। निकल चुका अब तो। हाँ मैं तो खैर खबर लेने जा रहा हूँ, और आप भी अब खबर लीजिए। मैं भी खबर ही लूंगा। चलिए तो फिर चलते हैं, ठीक है? हाँ चलिए। क्या हो रहा है ये? क्यों, क्या हो रहा है? मैं सुबह से शाम को थका हारा घर लौटता हूँ, लेकिन तुम्हें जब भी देखता हूँ वीडियो और रील बनाते हुए। क्या खाऊं, भूख लगी है मुझे। अरे तो मार्केट से ले आई है ना। तुम्हें किस लिए लाया था? तो क्या मुझे खाना बनाने के लिए लाए थे? हाँ भाई, मैं नौकरानी हूँ। जब शादी करते हैं बीवी को इसलिए लाते हैं कि वो घर की देखभाल करे, बच्चों का ख्याल रखे, शौहर का ख्याल रखे। तुम ये क्या कर रही हो? क्या क्या क्या, बीवी को इसलिए लाते हैं बच्चों का ख्याल रखे, शौहर का ख्याल रखे, और क्या? आप भूल रहे हो, और पति हो, पति के हद में रहो। ये काम आप भी तो कर सकते हो। ये ठीक नहीं है। ये काम आप भी कर सकते हो, खाना बनाना पत्नी का ही काम नहीं है, पति का भी काम है। और रही रील की बात, तो रील बनाना तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। देखिए ऐसा है कि दोनों मिलके घर को चलाते हैं, ऐसा नहीं कि खाली पति ही घर को चलाएगा। तो मैं कब नहीं चला रही घर को, मैं बस रील बनाती हूँ, अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के, इतना कीमती टाइम निकाल के रील बनाती हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? थोड़ा सा टाइम, एक सुबह से लेकर तुम्हें रात हो जाती है, लेकिन रील बनाना बंद नहीं। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि खाना बनाओ, इस रील को बंद करो बनाना। किचन बो रही, और जाकर खाना बनाओ, और मेरे लिए भी बनाओ, क्योंकि मुझे ही बहुत भूख लग रही है।
तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, तुम नहीं समझोगी कभी भी, न सुधरोगी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे घर में पत्नी चाहिए, रील बनाने वाली आप जाओ, नहीं चाहिए। आप जाओ खाना बनाओ, मेरा सिर दर्द मत करो, जाओ जल्दी। हाँ मैं तो चला जाऊंगा, मुझे रील बनानी, आप जाओ। लेकिन तुम्हें समझना चाहिए। मैंने बहुत समझ लिया, ठीक है जाओ आप खाना बनाओ। मेरी तो समझ में नहीं आती आजकल के हस्बैंडों को हो क्या गया। अरे मैं रील बनाती हूँ, मैं वायरल होने वाली हूँ, और इनको तो पता भी नहीं है कि मैं कितनी खूबसूरत लगती हूँ रील बनाते हुए। कैसे समझाऊं इनको, हद हो गई। बच्चों को मैं संभालू, घर का काम मैं करूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के रील बनाओ के रील बनाती हूँ, रील बनाती हूँ। भूख लगी है मुझे भी, ये नहीं है कि खाना बना दे मेरे लिए भी खिला दे। क्या छोड़ो, एक और रील बना लेती इतनी देर में। अच्छी तो लग रही हो, आज का कॉस्ट्यूम भी बहुत अच्छा है। आज वो नहीं आई, तो ना दोनों साथ मिलके बनाते। हाँ आज बहुत बढ़िया बढ़िया बनाऊंगी। रे आज आओ यार, तुम कितना टाइम लगाओगे? आज तो मैं बढ़िया बढ़िया रील बनाऊंगी, आज की कॉस्ट्यूम भी मेरी बहुत अच्छी है। आज वो नहीं आई, वरना उसके साथ बनाती। क्या है बनाओ रील, बनाओ दिन में बनाओ, रात में बनाओ, मोहल्ले वालों को बना लो, और कम पड़ जाए तो रिश्तेदारों को बना लो। तुमको क्यों चिल्लो रही है, वीडियो बना रही हूं तो? और वो भी कम पड़ जाए ना तो शहर वालों को बना लो, नौता भेज दूंगा। भेज दो तो फिर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार। हाँ तुम मुझे ये बताओ। हाँ पता है। हाँ। मेरे कितने फैंस हैं, कितनी ऑडियंस मुझे देखती है, पता भी तुमको? मालूम है कितने फैंस हैं और उन फैंस से कितना पैसा आ रहा है। अच्छा और घर कैसे चल रहा है मैं देख रहा हूँ, अब तो स्टार हो गई है। ये बात तो तुमने सही कही, मैं स्टार हूँ। हाँ और हम बेकार हैं। देखो मैंने ये नहीं कहा कि तुम बेकार हो, मेहनत करें, मजदूरी करें, पैसे, और शाम को यहाँ आए तो मेम साहब जो रील बना रही है। तुम कौन सी मजदूरी करते हो वैसे, बताना? ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठते हो। मैडम कुर्सी तोड़ने से कोई पैसा नहीं दे देता, काम करना पड़ता है वहां पर काम। यार चीखो मत प्लीज। अरे चीख नहीं रहा हूं, ये एक दुखी इंसान की आवाज है। लेकिन आपको कैसे मत होगा दुखी, आपको तो अपने मजे से मतलब है बस। दुखी? हाँ। मुझे तो पता ही नहीं था तुम दुखी हो। आपको पता है बच्चा भूखा है, उसने मुझसे आगे खाना मांगा, आपको इसके लिए खाना भी नहीं बनाया। अभी पास्ता बना के दिया मैंने उसको, वो इतना खाता है तो मैं क्या करूं? कितना खाता हो, नन्ही सी जान और उस पर जुल्म कर रहे हो। अरे भगवान से डरो थोड़ा सा। अरे उसे कम से कम मुझे नहीं दे रहे, कम से उसे तो खाना बना के टाइम से दो। अरे यार मेरा दिमाग मत खाओ, मैंने इतनी मेहनत से ये कॉस्ट्यूम पहने, इतना मेकअप किया यार, दो घंटे से मैं तैयार हो रही हूँ, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, मुझे कुछ रील शूट करने दो। तुमको पता है लंच टाइम में मैं कैंटीन में जाके खाना खा रहा हूँ, अब तो घर का खाना भूल गया ना, घर का शौक। यार तुम क्यों झूठ बोलते हो, सुबह 4 बजे मैं जग जाती हूँ, सुबह 4 बजे से मैं खाना बनाती हूँ बैठ के। 4 बजे क्या बनाते हो, एक कॉफी और पोहा। अरे उससे क्या आदमी टिक जाएगा? कितना खाओगे, तुम्हारा पेट है कि कुआ है? अच्छा कुआ होगा भाई, आदमी कमाता क्यों, खाने के लिए कमाता हूँ, खाने ही ना उसे मिले तो ना जाता पूरे दिन खाता ही रहेगा क्या, जानवर हो तुम। वाह भाई वाह, क्या बात है, एक तो आदमी मेहनत करे, मजदूरी करे और बातें सुने। यार देखो बहुत टाइम होगा, प्लीज यार तुम ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, मुझे रील शूट करने दो। देखो ये रील का जो चक्कर है छोड़ो, देखो घर गृहस्थी को के बारे में सोचो, अपना एक घर है, सुखी संसार है, अभी हमारा एक ही बच्चा है, कल को 2 बच्चे होंगे फिर कैसे चलेगा? 2 बच्चे यार एक ही काफी है। अरे 2 बच्चे होने चाहिए कम से कम, हम दो हमारे दो। यार वही बहुत परेशान करता है यार, टाइम नहीं मिलता मुझे। अरे तुम्हें तो समझाने बेकार है। अब तुम जाओ यार, मैं रील शूट कर लूं, प्लीज यार जाओ, अभी आ रही हूँ मैं आधा घंटा में। तो इसका मतलब मुझे खाना नहीं मिलेगा? आधा घंटे बना के दे तो रही हूँ, भूखा सो जाऊंगा जाके। ऐसा करो नमकीन बिस्किट रखे किचन में, लेके खा लो, ठीक है? जाओ यार प्लीज, थोड़े से वीडियो शूट कर लूं मैं। चलो ठीक है करो तुम अपनी मनमानी, तुमसे तो बस भगवान ही बचाए। ठीक है चलो, अकेले वीडियो शूट करने पड़ेंगे आज, इस आदमी ने और दिमाग खराब कर दिया मेरा, अच्छा खासा माइंड था, एक शूट कर लेती। हेलो हेलो। हाँ बबीता। हाँ क्या कर रही है यार तू? अरे मत पूछ यार, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। क्यों?
क्या बताऊं, रील बनाने बैठी थी, इतना सारा मेकअप किया, 2 घंटे लगे तैयार होने में, इतना अच्छा कॉस्ट्यूम पहना, हस्बैंड जी आ गए एंड टाइम पे। सेम यार, यही मेरा हाल है, बड़े इत्तेफाक की बात है यार, सेम यही मेरे साथ हुआ है। 2-2.5 घंटे में तो मैं तैयार हुई हूँ, बहुत मेहनत की मैंने तैयार होने में, और जैसे रील शूट करने ही वाली थी, एक भी रील शूट नहीं की, फर्स्ट रील शूट करने वाली थी, तभी टपक गए महाराज जी आके। यार वो तो ऐसे आए जैसे मुझ पे मारेंगे मुझे, खाना नहीं बनाती हो, पत्नी का क्या धर्म होता है, बच्चों को ये दे। हाँ सारे यार, सारे कानून हमें ही पढ़ा देते हैं ये पति लोग। अच्छा सुन, तू ऐसा कर यार, मेरा माइंड भी डिस्टर्ब है, तेरा भी माइंड डिस्टर्ब है, तू ऐसा कर घर पे आ जा, दोनों मिलकर यार वो बनाएंगे, रील शूट करेंगे। अच्छा एक बात, हस्बैंड तो नहीं तेरे घर पे? यार है यार, तू आ जाएगी तो तेरे वजह से कुछ कहेंगे नहीं, मैं अकेली शूट करूंगी तो कुछ चाय चाय पैक पैक कुछ ना कुछ करती रहेंगे। चल ठीक है, मैं आ रही हूँ आधे घंटे। आ जा यार, आज मैंने बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम पहने हैं, बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं। अच्छा चल मैं भी दिखाती हूँ। ठीक है जल्दी आ जा, टाइम मत लगाना यार, वैसे वो चिक चिक कर रहे हैं। चल रुक जा, तो आधा घंटा रुक, मैं आती हूँ। ठीक है, आधा घंटा नहीं, 15 मिनट में आ जा फटाफट। चल ठीक है, चल आती हूँ। ठीक है, ओके बाय। बताने कितनी देर में आएगी, थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। चलो करती हूँ वेट। कुछ खाना वाना बना दो यार, तुमसे कहा तो आधे घंटे बना लूं खाना, पीछे पड़ जाते हो तुम तो। आधा घंटा ऑफिस चला गया, ऑफिस से आ गया, बच्चों को बाजार से सामान दिला लाया, घर आके कपड़ा चेंज कर लिया, जो था बना के वो खा लिया। अब कुछ तो कृपा करो हम पे देवी जी, कुछ तो बना दो खाने को, रात में क्या खाएंगे यार। मैंने आधा घंटा कह दिया तो कह दिया, मैं आधा घंटे बाद ही खाना बनाऊंगी। और सुनो, मेरी फ्रेंड आने वाली है, उसके सामने यार ये बदतमीजी मत करने लग जाना, वो भी कहेगी क्या आदमी है यार। हाँ फ्रेंड को बुला लो, आस पड़ोसियों को बुला लो, कम पड़े रिश्तेदारों को बुला लो, मोहल्ले वालों को बुला लो, शहर वालों को बुला लो, काम ही क्या रह गया तुम पे, बस रील बनाना रह गया, बस बहुत हो गया। हाँ बहुत हो गया, मेरा भी बहुत हो गया, इतने सालों से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, हद होती है। हो गई हद, होगी तो अब जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। हाँ जा ही रहे, कौन से आपके सिर पे रहेंगे, खाना बना देना मैडम। बनेगा आधा घंटे बाद ही, मैंने कह दिया तो कह दिया, पहले रील शूट करूंगी उसके बाद करूंगी जो भी करूंगी मैं। अरे तुम्हारे मन में जो आता है वो करो, तुम्हें जो करना है करो, अरे मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। तो फिर क्यों रोकते हो यार, कोशिश क्यों करते हो? हाँ ATM मशीन हूँ ना, जब मन किया पासवर्ड डालो पैसे निकाल लिए, सारी जरूरतें पूरी करे इंसान, और उसको 2 वक्त की रोटी भी ना मिले, क्या फायदा शादी करना, इससे बढ़िया मैं कुआरा रहता तो ही बढ़िया था। माँ ठीक कहती थी शादी मत कर। किसने कहा था शादी करने के लिए? मेरी माँ ने कहा था। फिर मुझसे क्यों कह रहे हो, मेरी क्या गलती है इसमें? गलती तो मेरी है सारी, जो शादी कर ली माँ की बात मान के। वो तो है तुम्हारी गलती, माँ की गलती है, मैं तो तुम्हारे यहाँ आई नहीं थी बस्ती, मुझे शादी कर लो शादी कर लो। हाँ मुझे मालूम है, मेरे घर वाले पहुंचे थे रिश्ता, तो मेरे घर वाले लेकर पहुंचे थे ना, बस तो फिर उनको ही तो चाहिए था लड़का, हमको तो लड़की चाहिए नहीं थी, वही आए थे खुशामद करने। लड़की बड़ी सुंदर है, सुशील है, बहुत बढ़िया, घर का सब काम जानते है, देख रहा हूँ मैं क्या काम जानती है। क्यों सुंदर नहीं हूँ मैं बताओ? अरे सुंदरता से क्या होता है, सुंदरता को रखे का मैं खा सकता हूँ पी सकता हूँ, अरे जीने के लिए ना मैडम काम करना पड़ता है, मर्द को भी और औरत को भी, तब चलता है घर। यार ये भी एक काम है, अपना नजरिया बदलो देखने का। अच्छा, अच्छा ये बताओ आपने अब तक कितने पैसे कमाए रील से? क्यों तुमको क्यों बताऊं मैं? अरे आपका जो मेकअप का खर्चा है ना वो भी नहीं निकल पा रहा होगा इससे। अरे यार तुमको कोई जानकारी नहीं दी गई, और सुनो मैं तुमको ये बताना भी नहीं चाहती, कमाऊ ना ना मैडम तो ये रील है ना ये फुटपाथ पे पहुंचा देगी। सुनो आजकल ना फुटपाथ पे वीडियो बना के भी वायरल हो रहे हैं लोग। हाँ यही तो कमी रह गई है, फुटपाथ पे जाते हैं दोनों वीडियो बनाते हैं और दुनिया हंसती है, रिश्तेदार मुझसे इतना कहते हैं कि जो तुम्हारी बीवी ये क्या कर रही है, कुछ लोक लाज है कि नहीं? अरे उन्हें तुम्हारे जेठ जी देखते हैं, ससुर जी देखते हैं, मैंने कहा देखो मेरे फूफा देखते हैं, अब वो कहते हैं बहू ये क्या कर रही है, वो पागल लोग हैं, क्यों देख रहे हैं मेरी वीडियो, जब उन्हें शर्म आ रही है। रिश्तेदार हैं पागल हैं, आंखें बंद कर ले। अरे यार तुम मेरा दिमाग मत खाओ, मेरी फ्रेंड बस आने वाली होगी एक दो मिनट, बुला लो फ्रेंड को, और जरूरत पड़े तो जो है और 10 लोगों को बुला लो। ठीक है बुला लूंगी, और कुछ? खाना बन जाना चाहिए बस, बनेगा आधा घंटे बाद ही, आधा घंटे बाद बनेगा खाना। मैं तो जा रहा हूँ, बस ये बात बता के जा रहा हूँ, समझ जाओ बहुत होगा, अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है मेरे भी। अच्छा आपके सर से ऊपर जा रहा है, बहुत बढ़िया, सुबह से तो कोई काम किया नहीं है 2 पैसे का, और ऊपर से हमें गुस्सा और दिखाया जा रहा है नवाबों की जैसा। हाँ खरीदे हुए आपके बाप के गुलाम है हम, चलिए ठीक है, लेकिन बस आज तक
कल से मेरा बदला हुआ रूप देखोगे नहीं सुधरे तो? क्यों जानवर बन जाओगे? बनना पड़ेगा, और जानवर से भी बड़ा महाजानवर बनना पड़ेगा। वो तो अभी आवाज दे रहा तुम्हारे। अरे हाँ, मैंने देखा है तुम औरतों का क्या है। दो बात है तुमसे, प्यार से क्या कर लो सिर पे चढ़ जाते हो। ये मेरे प्यार के नतीजा है जो आज ये सब कर रहे हो। अब ठीक है, अगर सख्ती की होती ना तो आज टाइम पे मुझे खाना मिला होता। माँ ने कहा था उस गांव वाली लड़की से कर ले, लेकिन मैं ही पागल फंस गया। ठीक है लायक थे, कोई गवारिया तुम्हारे पल्ले पड़ जाती ना वही ठीक थी। अरे गवार कम से कम खाना तो बनाती। बस वो खाना ही बनाती और कुछ नहीं आता उसको। जितना तुम मेरे साथ चलते हो ना तन के, वो सब नहीं होता। ठीक है, ना तुम खुश होते हो कि देखो कितनी बात मुझे सब सुनती हूँ मैं, समझे ना। बाद में तुम कहते हो ना मेरी बीवी इतनी सुंदर है, मेरी बीवी ये, मेरी बीवी वो। ठीक है, मेरे सामने। अरे तुमसे तो मैं जीत नहीं सकता, हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। देवी जी कृपा करके खाना बना दीजिएगा बस। ठीक है, आधे घंटे बाद खाना तैयार हो जाएगा। क्या पागल आदमी है, 10 मिनट तो इसी ने बर्बाद कर दिए। ये अभी तक नहीं आई, कितनी देर में आएगी? तो मेरा माइंड ऑफ होता जा रहा है यहीं पे। अरे यार तू कितना टाइम लगाती है। क्या करूं, उनसे बच बचा कर आई हूँ, दुर्मीन की तरह नजरें लगाए बैठे मेरी तरफ। यार इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं अपना इतना मन सेट करती रील शूट करने के लिए, वो आ जाता कहीं ना कहीं से। वो आया, मेरे दिमाग में खिचड़ी पका कर चला जाता है। सेम यही हुआ है, एक भी रील नहीं बनी सुबह से आज, पता है इतना। मेरा भी सेम यही हाल है यार, मेकअप में इतना टाइम लगा, देखना कितना अच्छा कॉस्ट्यूम पहना है मैंने, लेकिन सब बहुत दिन से पैसे इकट्ठे कर रही है। नहीं पता यार, पता चल गया तो अपने में लगे रहते हैं कि मेरे पैसे से ये करती है, मेरे पैसे से वो करती है। ठीक है चल, कम से कम यार 10 रील तो आज शूट कर लेना। 10? हाँ यार, पहले मेरी बनाएगी। तेरा यही रहता हमेशा, तेरा भी यही रहता। कल तूने पता अपनी रील बनवा ली, मेरी एक रील भी ठीक से नहीं बनी थी। चल ठीक है, पहले मैं तेरी बना देती हूँ। ठीक है, कल वाला? हाँ, और कौन सा? कल वाले में तो बना लिया, कुछ नया देखते ना। तो तू निकाल ना फोन में, देखते हैं। देख देख देख, मैं अभी देखती हूँ ना क्या वायरल हो रहा है। वायरल बनाऊंगी, वायरल चल रहा होगा। ऐसा ना हो हम रील बनाने बैठे हो तेरे हस्बैंड जी आ जाए। अरे यार आ जाएंगे तो देखेंगे यार इसमें। देखिए ये वाला गाना कैसा है। हाँ ये वाला ठीक है। ठीक है, ठीक है चल। पहले मैं ये ऐसा कर, छत पर चलते हैं। ठीक है, क्यों लाइट जाने वाली है? लाइटिंग यार क्वालिटी सारी गिर जाएगी वीडियो की। चल तो फिर चल, चल छत पर चलते हैं। मैं सोच रही थी यहाँ पे, चल चल लाइटिंग है। सुन चल जल्दी शुरू कर, चल पहले तेरे कर देते। ठीक है, फिर तू चैचा करेगी। फोन तो पकड़ो, फोन रख इधर से, इधर से, इधर आना, आना है इधर। हाँ चल, यहाँ से बढ़िया है, इधर लाइटिंग अच्छी है। चल बढ़िया सा करना। अरे यार एक दो स्टेप तो बता दे, मुझे नहीं आता उस वाले गाने पे। रिहर्सल कर ले एक बार, फिर ऐसा कर ले। ठीक है ठीक है ठीक है, चल ठीक है अभी बस गाना चला देते, रिहर्सल कर ले। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 गो। हो तो गया यार, अब बहुत लंबा कर देती है। ठीक हो गया, देख एक बार देख ले, फिर तू कहेगी। अरे वाह, चल 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 तेरी रील बनाती हूँ। मेरे साथ रह रहे ना, स्मार्ट हो गए तुम, सारे स्टेप सीख ले तूने मेरे। ऐसा ना तेरे हस्बैंड आ जाए जल्दी कर। अरे यार अभी आधा घंटे के लिए गए बाहर, रुक जा। अच्छा ले इस प्रकार, बढ़िया सा बनेगी। ये ले फोन पकड़। अच्छा अच्छा चल रेडी। ओके दिखा यार कैसी शूट हुई है, वीडियोस बनी है देखना। वाह यार ये तो कल वाले से भी मस्त बनी है यार, कितनी अच्छी वीडियो है। बहुत बढ़िया है ना ये। तो यार ये फिर आ गया, दिमाग खराब कर रहा। वाह क्या बात है, आप लोग तो महान हैं यार। तुम काम करने दोगे कि आप दोनों को तो महानता का पुरस्कार देना चाहिए। दे दो फिर। और भाभी जी आप
अरे भैया आपको बताया रवि भैया कितने परेशान हैं? कुछ कहा था उन्होंने क्या आपसे? मत पूछिए, जो मेरे साथ गुजर रहा है ना वो उनके साथ गुजर रहा है। आप तो इनसे उम्र में बड़ी हैं। यार अभी हम दो ही रील बना पाए हैं यार। बात करने दीजिए, समझदार हैं और आप भी ऐसा कर रही हैं। अरे आपके तो दो बच्चे हैं, अरे उनके बारे में सोचिए, रवि भैया के बारे में सोचिए। बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, बेचारे कैसे कैसे कमा के लाते हैं, अरे थोड़ा उनके बारे में तो सोचिए। वही तो सोच रहे हैं। अरे इनका तो दिमाग खराब है। हाँ मेरा तो दिमाग खराब है। बस यही करना है, इनको बच्चे नहीं देखने, इनको पति को नहीं देखना, इनको तो बस रील बनाने। लेकिन आप पर समझ गोद में लेके बैठे हूँ 24 घंटे। अरे रहने दीजिए, लेकिन आप उनके बारे में तो सोचिए। सेम भैया, उनका भी वही हाल है। देखिए महिलाएं जो होती है ना वो घर को चलाने के लिए होती है, वो घर में ही अच्छी लगती है। ये नाच गाना नुमाइश अच्छी चीज नहीं है। हम लोग घर से बाहर गए हैं क्या? घर के अंदर आए के रील बनाते हैं ना। अरे लोग देखते हैं, मोहल्ले वाले चटकारे लेते हैं। देखो रवि की बीवी देखो, किशन की बीवी देखो, अरे जब उन्हें देखता हूँ तो चेहरे और नजरें झुक जाती हैं। हमने कहा झुकाने के लिए? और यार प्लीज यार इमोशनल ड्रामा मत करो हमारे सामने। ये आपको इमोशनल ड्रामा लग रहा है? अरे जब कोई आकर मुंह पे कहेगा ना, बोलेगा तब आप किसी की हिम्मत नहीं है जो हमसे कुछ कह जाए। समझे तो इसलिए क्यों कहेगा? आप किसी को अपनी जान आफत में थोड़ी ना बनानी। अच्छा ठीक है, मैं घर चलती हूँ। अरे आपसे एक विनती है मेरी। देखिए भाभी जी, ये सब छोड़िए और ये हमको भी छोड़िए, घर गृहस्थी पे ध्यान दीजिए प्लीज। अरे भैया ये हाथ बात क्यों जुड़वा रहे हो? भैया से बोलो ना। अब यार मैं तो इनसे तंग आ जाऊंगी यार। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा महान ऐसा बुरा पाप करके बैठे हैं हम दोनों। चल यार अब कल ही शूट करेंगे, छोड़ माइंड डिस्टर्ब हो गया आज। हाँ माइंड डिस्टर्ब हो गया, मेरा तो रोज होता है, मेरा तो रोज का है बस। ठीक है भैया, आप यही चाहते ना कि मैं अपने घर जाऊँ? ठीक है मैं चलती हूँ। मैं तो आपसे बस यही कहना चाहूंगा, आप यहाँ आइए, आपका स्वागत है, बस रील के लिए मत आइए, रील के लिए माफ कीजिए। धनी क्या प्रॉब्लम है, मैं चलती हूँ। ठीक है बाय। मैंने कहा तुमको चैन कर दी मेरी बेइज्जती मेरी फ्रेंड के सामने, यही तो चाहते हो तुम? अरे बेइज्जती तो मेरी हो रही है, मोहल्ले वालों से कैसे नजर मिलाऊं? हाँ तुम्हें तो बीवी भाग गई है ना, तुम्हें बेइज्जती हो गई, तुम्हें नाक कट गई, फालतू की बकवास। जब देखो अरे ऐसा होता तो भी तसल्ली कर लेता मैं। अच्छा लेकिन इशारा दे रहे हो कि मैं भाग जाऊं? लेकिन लेकिन देखकर कोई मक्खी नहीं निकला करता। लोग कहते हैं कैसी कैसी बातें बनाती, देखो वो गाना आया है किशन की बीवी का, देखो कैसे नाच रही है, कैसे ठुमका लगा रही है, ओ क्या अदाएं हैं। तुम्हें पता है मेरे कान ना उन बातों को सुन सुन के पक गए और दिमाग झंझन आ जाता है, पागल हो जाऊंगा मैं। तो अपने इलाज करवा लो, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है मुझ पर, समझे? देखो मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, ये सब मत करो यार। तुम जो मुझे बातें बताते हो ना वो बताते हो निगेटिव, जो लोग निगेटिव बात करते हैं ना समझे वो बताते हो, पॉजिटिविटी नहीं देखते हो। पॉजिटिव देखो, कमेंट्स पढ़ो कितने पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट आते हैं मेरे लिए। कमेंट भद्दे भी आते हैं, लो आते हैं दो चार लोग। आई लव यू डियर, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये का शरीफ करके लोग हैं जो कमेंट करते हैं। सुंदर लगती तो कहते हैं, तुम तो मेरी तारीफ करते ही नहीं हो। मैं तारीफ नहीं करता हूँ? अरे तारीफ तो जब की जाती है औरत की, जब वो घर की इज्जत हो, और जब वो नीलाम हो रही है सरेआम, तो क्या तारीफ की जाए? यार बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है? नहीं अब बकवास बंद करो, चले जाओ चुपचाप से। तुमने आज मेरा बहुत काम चला ही तो गया था। सो हाँ मुझे याद आया, मैं खाने की क्या क्या गया था, खाना बन गया? अभी आधा घंटा हो गया था, आधा घंटा हो गया था कि तुम्हारे माइंड में सोच ले तो आधा घंटा हो गया, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए तो हो जाता बस। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने खाने को पकाने को कुछ रखा किचन में? बस मैं जाने ही वाली थी। हाँ जाने ही वाले थे, अब देखना वक्त जरा कितना हुआ है, मैं कितने बजे गया था? अभी गए थे तुम 10-15 मिनट पहले, 15 मिनट बाकी आधा घंटे मुने। 15 मिनट नहीं पूरे 20 मिनट हो गए। 10 मिनट में तो तुम सारा खाना तैयार कर दोगे ना, तुम 10 मिनट में खाना बनाने के लिए लगोगे, फिर तुम खाना बनाओगे, आधा घंटा तुम्हें खाना बनाने के लगेगा, कम से कम 1 घंटे बाद मुझे खाना मिलेगा। यार मेरा पैर ना बहुत दर्द कर रहा है, ठीक है? तो मैं दबा दूं से?
मैंने तो कहा नहीं कि दबा दो। जब नाचोगे वीडियो बनाओगे तो थकोगे, पैरों हाथों में तो दर्द होगा ही और सिर में भी दर्द होगा जब 24 घंटे मोबाइल से लगे। सिर में दर्द जो होता है ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से होता है, ठीक है? जब भी मेरे सिर में दर्द होता है तो मैं ही तो सबसे बड़ा सिर दर्द हूँ। वो तो है, मुझसे ही तो तुम्हें छुटकारा चाहिए। मैंने कहा ये क्या, मर जाओ तुम जाके। हाँ खाने में जहर मिलाकर दे दूं, मुझे छुट्टी हो जाए। मरना तो वैसे ही मर जाओ, मैं क्यों मानता हूँ। मर जाऊंगे अब ना, बहुत हो गया और बहुत कर लिया मैंने बर्दाश्त, अब ना संभल जाओ। बस यही कहना चाहता हूँ, भाभी जी से तो मैंने बोल ही दिया और तुमसे भी बोल रहा हूँ। ठीक है, हो गया, हो गया। खाना चाहिए तुमको? आज मैं तुमको खाने बना कर दी, 4-5 दिन का इकट्ठा खाना बना दूंगी, फिर देखूंगी तुम कितना खाते हो। फिर खाना नहीं खाया ना मैं, तब देखूंगी। भूखों के खानदान से नहीं हूँ, इंसान हूँ और इंसान को जितना खाना चाहिए उतना ही बनाना। अब ऐसा है, खाना बना दो देवी जी। ठीक है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अब ज्यादा मैं लेक्चर सुन ना लूं तुम्हारा, ठीक है? कितनी देर हो गई है। रिश्तेदारों में मेरे मायके में फोन लगा लगा कर, हेलो मम्मी जी ये खाना नहीं बनाती है, मम्मी जी ये वो नहीं करती है, मम्मी जी मेरा ये काम रह गया, मम्मी जी मेरा वो काम रह गया। ये फालतू की बकवास ना सुन लूं मैं, ठीक है? अच्छा खाना कितनी देर में मिल जाएगा ये भी बता दूं, 10 मिनट में मिल जाएगा? अरे अब आधा घंटा क्यों लगेगा यार, मैं कोई मशीन नहीं हूँ, ठीक है? कि 10 गई मैं किचन में बना दिया बस, तुम्हारी तरह नहीं हो जाता ऐसे। तुम टाइम सोच रहे हो तो मैं में देखो, जाने से पहले तुमने आधा घंटा बोला, ठीक है तुम रील बनाने लग गए, चलो वो भी ठीक है। अब आधा घंटा क्यों लगेगा, 10 मिनट में खाना बना के दिखाओ ना। क्यों क्यों, आधा घंटे का बोला था? नहीं कोई जादू आता है मुझे कि मैं चुटकी बजाई और खाना हाजिर। अरे ऐसी बात का तो रोना है, जादू आता तो बढ़िया था, तो मैं तो वो भी नहीं आता है, बस रील बनाना आता है उससे तो कुछ जादू आता है। सबसे पहले तुमको गायब करती, तुम तो बक बक करते ना, ये नहीं करते, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने और मुझे डिस्टर्ब मत कर देना। और हाँ फोन के बाद तो मैं सुन भी लूँ, अगर मैं तुम्हारे हाथ में फोन दे दिया तो सोच लो खाना नहीं बनाऊंगी। अच्छा मेरे हाथ में तो फोन नहीं चाहिए मैडम को, और खुद दिन भर फोन चलाना है, बच्चे को कौन देखेगा, बार बार आके मुझे परेशान करेगा किचन में। हाँ बच्चे को मैं ही संभालूंगा, ठीक है? ऑफिस भी मैं संभालूंगा, घर के काम भी मैं देखूंगा, बच्चे को भी मैं देखूंगा और आपको भी मैं देखूंगा। या बना लो खाना। हाँ जाओ खाना बना लो पहले, वो बना रही है। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, आज समझ में आ रहा है कि रवि भैया का क्या हाल हो रहा होगा। इन वीडियो बनाने वालों से तो बस भगवान ही बचाए, भगवान ही बचाए। बच्चे को देखता हूँ जरा। अरे बेटा फोन नहीं चलाते, गंदी बात होती है। मम्मी भी तो चला रही है। माँ चलाएगी तो बेटा तो बोलेगी, बेटा मम्मी तो ऐसी चलाती है, बड़ी है ना, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं चलाना चाहिए, आप तो छोटे हो। ला फोन दे दो, दे दो बेटा। अरे दो फोन को, क्यों बच्चे को डांट रहे हो, क्या बात है? तुम्हारी बीमारी लग गई है सिर्फ फोन चलाने की। क्या बीमारी लग गई है, मेरे बच्चे से ज्यादा कुछ कहने जाते नहीं है। फोन चला रहा, फोन तो अभी दिया है मैंने। अरे तुम ही क्या कम थे जो उसको भी बना रहे हो अपनी जैसा। यार पूरे दिन घर में रहता है बच्चा, बोर हो जाता है, कोई खेलने की जगह नहीं है, कोई ऐसा सामान, कोई गेम नहीं इसके पास, थोड़ी देर के लिए फोन दे दिया तो क्या हो गया। तो पढ़ाओ लिखाओ बच्चे को, कुछ अच्छी बातें सिखाओ। तो जाता तो है स्कूल, अगर 24 घंटे थोड़ा पढ़ता रहेगा। ओ जाता तो है स्कूल, बात तो ऐसे बना रहे हो जैसे कि बच्चा कितना पढ़ता है घर में। तो बता भी है कि बच्चे के नंबर कितने कम आए इस बार एग्जाम में। बच्चा है भी यार, इतना बड़ा नहीं है, इतना प्रेशर मत डालो बच्चे इस पे, थोड़ा ध्यान देना सीखो। अगर फोन चलाएगा ना तो दिमाग कमजोर हो जाएगा। और ये बताओ कैसे तुम्हारा हो गया है। हाँ मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं तो सब भूल जाता हूँ, है ना? ये तो कहना चाहते हो यार, तुमको लड़ने का बहाना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। बच्चे के हाथ में तुमने फोन क्यों दिया पहले तो ये बताओ। मैंने नहीं दिया, 5 मिनट के लिए जिद करा था, मैंने दे दिया, ठीक है चला ले। बेटा तो माँ के जैसा बनना है बाप के जैसा। क्यों, माँ के खराब है? माँ के जैसे ही मत बनना। क्यों, दिन भर फोन चलाती है, ये क्या कम है? तुम भी चलाओ। देखो मेरे खिलाफ बच्चे के कान मत भरो तुम, ठीक है? उसको बता रहा हूँ मैं। क्या बता रहा हूँ? फोन ना चलाए, फोन की बीमारी से दूर रहे। चलो किटी उठो। हाँ जाओ और खाना बना दे। आ रही है ना, चलो।
बच्चे के सारे फालतू की बातें मत किया करो, ठीक है ना? तो मैं भी कह रहा हूँ बच्चों को फोन देने की जरूरत नहीं है। बच्चे का दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर रहे हो। कर रहा हूँ मैं नफरत पैदा? जिसको देखो बस फोन की बीमारी, खुद तो खुद बच्चों को भी लत लगा रहे फोन की। और कुछ? अरे उसको दे नहीं था तो पढ़ने को किताब दे देते। यार कितना पढ़ेगा बच्चा है वो? अरे स्कूल के बाद भी बच्चों को घर पढ़ाना पड़ता है। हाँ पढ़ाते क्यों नहीं हो तुम? सारी जिम्मेदारी मेरी है क्या? अरे मैं घर से आऊं थका आ रहा। और घर से आऊं बाहर के भी काम, सॉरी मैं तो ये भी बताना भूल गया कि मैं ऑफिस से आऊं ऑफिस को घर, घर को ऑफिस, में पागल हो जाऊंगा मैं। तुम पागल ही हो चुके हो तभी तो बच्चे को भड़का रहे मेरे खिलाफ। अरे मैं ऑफिस से आऊं थका आ रहा घर, एक गिलास पानी तो मिलने की बहुत बड़ी बात रही। अब तुम बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते, उसके हाथ में फोन दे रहे हो। तुम भी फोन चलाओ वो भी फोन चलाए। थक चुकी हूँ यार, मैं थक गई हूँ यार तुमसे। तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए मुझसे लड़ने का। तुम मुझसे हो गए बोर, मैं सब समझती हूँ तुम्हें, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। साफ साफ बोलते नहीं हो बस तुम। साफ साफ तो ये तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? शादी से पहले तुम मुझे कितना अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाते थे, भूल गए वो दिन? हम कश्मीर घूमने गए थे, सबसे खूबसूरत जगह दुनिया की। अब तुम घुमाने ले जाते हो कहीं? मैं कह कह के थक जाती हूँ यार, मैं बोर हो रही हूँ, मैं पागल हुई जा रही हूँ। मुझे कैद करके रख दिया इस घर में। अरे घुमाने तो जब ले जाऊं, जब मुझ पर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा अच्छे से पेश आओ। घर में घुसते ही बस वो फोन, बस वो वीडियो, कहाँ इंसान का दिमाग रहेगा? वहां ऑफिस में बॉस मुझ पर चिल्लाता है, यहाँ घर पे आती हूँ तुम मुझ पर चिल्लाते हो। अब मैं क्या क्या बर्दाश्त करूं, एक अकेली जान क्या क्या झेले? यार अब मुझसे ही बर्दाश्त नहीं होता तो मुझे ही माफ करो, ठीक है? मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती, मुझे करने दो काम। काम पड़ा है किचन में, काम नहीं करूंगी तो फिर कभी काम नहीं करती है। देखो किचन में काम पड़ा है, हॉल में काम पड़ा है, यहाँ काम पड़ा है, यहाँ सफाई नहीं हुई, वहाँ सफाई नहीं हुई, समझे ना? मतलब मेरे पास भी बहुत टाइम रहता है बच्चे को भड़काने के लिए। तुम्हारे खिलाफ भड़का सकती हूँ मैं, मगर मैं तुम्हारी जैसी सोच की नहीं हूँ, ऐसा नहीं करूंगी। मेरी सोच तो बहुत खराब है, बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे खाना बना दो जल्दी से, भूख लग रही है, सुनती हो? आप कितना खाओगे? अपार्टमेंट बैठ लो जरा, मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ फिर आता हूँ। ठीक है ठहरो। ये क्या है? तुम्हारी आजादी का परवाना। तलाक? तुम आजाद हो। अब दूसरे तलाक दोगे? नहीं, रील बनाओ, वीडियो बनाओ, कुछ भी बनाओ, अब तुम आजाद हो। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे कैसे तलाक दे सकते हो? मैं आपकी बीवी हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, वीडियो बनाने से रोका है, रील बनाने से रोका है, अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं कभी रील नहीं बनाऊंगी। रही इस फोन की बात, लीजिए, मैं कभी रील नहीं बनाऊंगी, मैं कभी रील नहीं बनाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तुम्हें माफ किया, देखता हूँ तुम आगे क्या करती हो मेरे लिए। अब जो कहेंगे मैं वो करूंगी, मैं कभी रील नहीं बनाऊंगी, बस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तलाक मत दीजिए। प्रॉमिस प्रॉमिस, मुझे कभी तलाक मत देना, मैं कभी रील नहीं बनाऊंगी। प्लीज आप मुझे तलाक मत देना, मैं कभी रील नहीं बनाऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ मैं, मुझे तलाक मत देना। सच कह रही हो? मैंने भी तुम्हें दिल से माफ किया। पक्का ना? बिल्कुल पक्का, मैं कभी रील नहीं बनाऊंगी। चुप हो जाओ और आइंदा हम बहुत खुशी से साथ गुजारेंगे, साथ रहेंगे। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और तुम भी मुझे माफ करना। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का, मैं कभी रील नहीं बनाऊंगी। चलो, कल एक भी वीडियो शूट नहीं हो पाई थी मेरी, इसलिए मैंने दोबारा से वही कॉस्ट्यूम पहनी है। और कर ले तुम इसमें, अच्छी लग रही हो। हाँ यही ठीक है यार। चलो आज कौन से गाने पे बनाऊँ? कल वाले अधूरे रह गए थे, कुछ ड्राफ्ट में डाल दिया।
वाह, अधूरे रह गए थे गाने, अभी मैडम का पेट नहीं भरा है रील बने। देखो आज तो मेरा दिमाग खराब मत कर देना, तुमने कल का दिन ही मेरा बर्बाद कर दिया, समझे नहीं? आज तो मैं रील बना के रहूंगी, तुम कुछ भी कर लो। ओ, दिमाग तुम मेरा खराब मत कर देना, कई दिनों से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुमको। क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं क्या कर लूंगा? अब बिल्कुल रील नहीं बनेगी इस घर में। बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी, हजार बार बनाऊंगी। बिल्कुल नहीं बनाओगे। क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं रोज रोज का ये किस्से ही खत्म कर दूंगा। क्या किस्सा खत्म कर दोगे तुम? क्या कर दोगे बताऊं? क्या करूंगा? हाँ क्या करोगे बताऊं? क्या कर लोगे तुम? क्या करूंगा मैं? धमकी दे रहा मुझे? ये रोज रोज का किस्सा खत्म कर दूंगा मैं, बहुत हो गया। खत्म कर दोगे तुम? देखो मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम रील बनाना छोड़ोगे या नहीं? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। और मुझे छोड़ दोगे? हाँ तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं भी ऐसा कर देता तो मैं छोड़ देता, लेकिन मजबूरी है। अगर बच्चा नहीं होता ना, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता। अरे यार तुम्हारी शक्ल कौन देखना चाहता है, हर वक्त 12 तो बजे रहते तुम्हारी शक्ल पे। 10 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, बर्दाश्त की अधूरी है, अब तुम ऐसा करो। तुमसे तो कुछ कहना भी बेकार है। नहीं सोच लो तुम कुछ, आखिरी बार बता दो रील बनाना छोड़ोगे या नहीं? नहीं छोड़ूंगी, कितनी बार बोलो नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी क्यों समझ में नहीं आती बात? अब तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, जो रोज रोज का मैं किससे खत्म कर रहा हूँ। हाँ मैं फोन बोल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं फोन तोड़ने की? हाँ खत्म, सब टेंशन, फोन तुम्हारा मैंने तोड़ दिया, अब बना लो रील, अब घर में जाओ खाना बनाओ काम करो। मैंने क्या कर से आता हूँ, मैं सारी वीडियो बनाई थी इसलिए नहीं कि बस तुम्हारी ये रील रील देखूंगा मैं। परेशान कर आज ऐसा ऐसा कर दूंगी कि तुम भी जिंदगी भर ध्यान रखोगे। क्या करोगे ऐसा तुम? तुम्हें बहुत खाना खाना ना मेरे हाथ का। हाँ, बहुत खाना खाना ना तुम्हें। क्या करोगे बताओ? मैं जा रही हूँ मरने, समझे? गए मरने, तुमने मुझे ही मार रखा है। सो मत, तुमको लग रहा है मजाक लग रहा है तुमको, आज मैं अपनी जान दे दूंगी। तुमने मेरा फोन तोड़ा तो तोड़ा कैसे? तोड़ दिया बस मैंने तो फोन, परेशान था मैं, वो भी बेचारा परेशान होगा, किसके गले पड़ गया। बस जब देखो उसको चलाया जा रहा है, उसका भी पीछा छूटा और मेरा भी पीछा छूटा। तुम्हारा पीछा तो देखो अब छूटेगा, जब मैं जाकर यमुना में कूद जाऊंगी ना, और पुलिस आकर तुमको पकड़ के ले जाएगी मेरी हत्या के आरोप में, समझे नहीं? तुम साफ साफ सुनो, बच्चे को सब पता है कि तुम रोज मुझसे झगड़ा करते हो, रोज तुम मुझसे लड़ते हो। जब बच्चे से आके पूछेगी ना पुलिस कि माँ ने ऐसा क्यों किया, तो बच्चा सीधे तुम्हारा नाम लगाएगा, समझे नहीं? ये धमकियां किसी और को देना, मैं डरने वाला नहीं। धमकी लग रही है ना? धमकी लग रही है तुमको? मैं बिल्कुल अभी जा रही हूँ, और अभी पीछे आओ मत जाना, मैं पीछे जाएंगे मरने। अरे हाँ शर्मा जी, वो कल बात करूंगा मैं आपसे, अभी कुछ मसला है घरेलू, ठीक है कल बात करता हूँ। चुपड़ी बाबूजी, हाँ मम्मी यमुना की तरफ गई है। क्या? जल्दी चलो यमुना की तरफ, चल बेटा। तुम ऐसा करो तुम घर जाओ है, मैं मम्मी को लेके आता हूँ, आप घर जाओ है, जाओ घर। ये तो मुझे रोकने भी नहीं आए, रोका भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो सचमुच जान देनी पड़े। धीरे धीरे चलती हूँ, शायद आ जाए मुझे रोकने, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे, मैं सच्ची में मुझसे प्यार नहीं है। तो अभी भी नहीं दिखाई दे रहे, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी घर से निकल के? मगर मेरे मन से तो यही आवाज आ रही है मुझे बचाने जरूर आएंगे, मैं भी इंतजार करूंगी, जान नहीं दूंगी, मरना नहीं है मुझे, इतने सारे फॉलोवर्स हैं मेरे। यार यहीं बैठ जाती हूँ इस पे, थोड़ी देर यहीं बैठ के वेट कर लेती हूँ। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, फोन भी तो नहीं है मेरे पास, फोन मेरे तोड़ दिया मेरा, इतनी मेहनत से इतने वीडियो बनाए मैंने, इतनी ऑडियंस इकट्ठी की, इतने फैंस हैं मेरे, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी अपनी मेहनत को बेकार। यार तुम आ जाओ कहीं से मुझे बचाने, मुझे वापस ले जाओ, थक गई मैं चलते चलते, कहीं नहीं दिखाई दे रहे दूर दूर तक।
चलो फिर मैं क्या करूं। चलो थोड़ी दूर और चलते हूँ, बैठे हुए देख ली ना तो सोचेंगे। बैठिए यहाँ पे, सच तो लगना चाहिए ना थोड़ा सा। यार कितनी देर हो गई और तुम्हें यमुना पे भी आ गई, क्या मैं सचमुच में कूदना पड़ेगा? यार कहीं से तो दिख जाओ। हे यमुना मैया, बुला दो मेरे हस्बैंड को, मुझे वापस ले जाओ, मुझे मरना नहीं है। जे हो यमुना मैया की, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आज तो मैं आधा यमुना में कूद रही थी, मुझ क्या लगी, पागल हो गई तुम? हाँ मैं पागल लगी, आज मैं यमुना में कूद जाऊंगी। हट जा, देखो देखो मेरी बात सुनो, देखो ये छोटा, हट जा, देखो छोटा मोटा झगड़ा घर में होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं, आज हम मेरा नहीं तो कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचो। आज मैं जान दे दूंगी, आज मैं यमुना में कूद जाऊंगी, आज मैं कोई ना रोका। अरे मेरी बात तो सुनो, बात ना सुननी मेरे को। अरे देखो मुझसे, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे तुम्हारा फोन नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन देखो आपने भी ऐसा किया, आपने भी गुस्सा किया, मैं आपको नया फोन दिला दूंगा। चलो घर चलो, आ जाओ। मैं घर नहीं जाऊंगी, आज मैं कूद जाऊंगी यमुना में, आज मैं मरूंगी, तुम जाओ यहाँ से। अरे बात छोड़ दो मेरा, मेरी देखो मेरी बात सुनो, मैंने सुना गुस्सा आ रहा है, और गुस्से में ना इंसान का दिमाग ऐसा होता है जैसे कि समुद्र में जहाज का चलना। अभी देखो मेरी बात सुनो, देखो समुद्र में जहाज चले चाहे हवाई जहाज उड़े, समझे नहीं, मुझे नहीं पता। अरे आज मैं यमुना में कूद जाऊंगी, कोई नहीं रोक सकता मुझे। मेरी बात सुनो, देखो मैं ऑफिस से आता हूँ, वहां पे इतनी टेंशन होती है। यार प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे यमुना में कूदना है। अरे मेरी यमुना में आज मिल जाऊंगी, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी, चलो ठीक है, मैं घर की हूँ, मैं जो ऑफिस की टेंशन भी नहीं निकालूंगा मैं, तुम कह रहे हो तो मैं वीडियो से भी नहीं रोकूंगा आपको। नहीं तुम रोकोगे? अरे नहीं रोकूंगा, रोकोगे मुझे पता है। अरे आपकी कसम नहीं रोकूंगा, पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। बटर कौन साफ करेगा फिर? मैं कर दूंगा। पोछा कौन लगाएगा? वो भी मैं लगा दूंगा। और सुबह का नाश्ता? बना दूंगा। और मेरा नया फोन कब तक आएगा? अभी दिला दूंगा। पक्का? पक्का, मुझे अभी चाहिए। और आज के बाद मेरे फोन से कभी हाथ मत लगा देना तुम। बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, बस ये तुम इरादा त्याग दो। तुम्हारे आगे मैं कान पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, और मैं वीडियो बनाऊंगी, रील्स बनाऊंगा, कुछ भी बनाऊ, तुम मुझे रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं। कसम खाकर कहो यहीं पर यमुना मैया की। कसम यमुना मैया की किसी चीज से नहीं रोकूंगा, फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ, और उठक बैठक भी लगा रहा हूँ। आप घर चलिए, ध्यान रखना अपनी कसम को। बिल्कुल, एक दिन में 10 वीडियो बनानी है मुझे। तुम 10 बनाना चाहे 20, घर चलो। तो भाइयों देख लिया, बीवी को रील बनाने से रोकने का नतीजा मरने की धमकी देते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा भाइयों, जो घर की लक्ष्मी करना चाहे करने दो, पर बारी नारी जिससे सारी दुनिया हारी।